मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस घंटे को बजाकर हमारे साथ जुड़े रहें। फिर एक बार नया वीडियो लेकर के आया हूँ पेटीएम के रिगार्डिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेटीएम के कंप्लीट डिटेल कि ये यूकेवाईसी क्यों करवा रही है, इसका यूकेवाईसी के लिए एजेंट कैसे बना जा सकता है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है एजेंट बनने के लिए, कौन सा एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, इन सब चीज़ों को बात करने के लिए मैं आपके पास में मौजूद हुआ हूँ आज फिर से एक बार। यहाँ पे हम पहले बात कर ले कि जो हम लोगों को मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, OTG सपोर्टेड मोबाइल फ़ोन जो चाहिए, उसमें दो एप्लीकेशन हम यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, पहला पेटीएम और दूसरा गोल्डन गेट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पेटीएम ये जो काम करवा रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि नियर फ्यूचर पे जो बैंकिंग सर्विस में आ चुकी है और ये अपना बैंकिंग का मार्केट बढ़ा रही है, उसके लिए इसे बहुत सारे ग्राहकों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए पहले ही अपना एक मार्केट स्ट्रेटेजी बना करके एजेंट तैयार करके लोगों को KYC करवा के ग्राहक बना दे रही है, जिससे उसका ऑनलाइन अकाउंट भी खुल जा रहा है। ऑनलाइन अकाउंट खुलने के बाद उसके पास एक ATM वगैरह भी है, डिजिटल ATM वगैरह आ जा रहा है। जैसे ही ये डिजिटल ATM आने का मतलब ये हो गया, एक मिनट, डिजिटल ATM आने का मतलब ये हो गया कि उस ATM से वो अपने इंटरनेट कुछ परचेज वगैरह करना है तो भी कर सकता है। eKYC अगर हो जाता है बंदे का तो उस बंदे का ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक डिजिटल वैलेट क्रिएट हो जाता है। तो अगर कोई एजेंट बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो वो एक फ्रेश मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए, जिसमें से पहले से या तो eKYC किया हुआ हो, लेकिन उसका तीन कंडीशन हो। पहला चीज़ वो कभी पहले कोई एजेंट ना हो किसी दूसरे का, डायरेक्ट पेटीएम का या किसी भी सर्विसेज का, पेटीएम के रिगार्डिंग, और दूसरा कोई मर्चेंट नहीं हो या कोई एम्प्लॉय नहीं हो, इस तरीका से उसका कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर कोई फ्रेश मोबाइल है तो वो अपना पेटीएम का अकाउंट बना ले, पेटीएम के नॉर्मल सॉफ्टवेयर से। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है कि वो पेटीएम पे क्लिक करेगा, पेटीएम का जो एप्लीकेशन उस पर क्लिक करेगा, उसमें एक नया मोबाइल नंबर साइन अप कर लेगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो देखते हैं, ये तो पहले से लॉग इन किया हुआ है, ये जो लॉग इन किया हुआ है इस लॉग इन पे लॉग आउट मैं कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट बनाने का, कहीं पर भी फिर से एक बार देख लेते हैं, इस आइकॉन पे क्लिक करें, वहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद जिस मोबाइल नंबर पे उसको अकाउंट बनाना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लें, जैसे हम एक मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड का मिनिमम 5 कैरेक्टर, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है 5 कैरेक्टर मिनिमम, जिसमें से एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट होना कंपलसरी है। नंबर और अल्फ़ाबेट का हम कोई पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे वाइट हैट 123 नाम का एक पासवर्ड डाल दें। ईमेल आईडी तो ऑप्शनल है, ईमेल आईडी अगर नहीं भी डालते हैं चलेगा, डन करते हैं। डन करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट कर देते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट जैसे ही करते हैं, बंदे का उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, खैर ये तो मैंने गलत मोबाइल नंबर डाला, आप सही मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे उस OTP को आप इंटर कर दोगे, टाइप करने के बाद सपोज करो कि 6 लेटर का OTP आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम डाले, डन करते हैं। यहाँ पे डन करने के बाद अगर OTP सही रहा तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जेंडर उसका पूछेगा, मेल फीमेल, क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे ही हम ये क्रिएट अकाउंट करते हैं, सक्सेसफुली हमारा पेटीएम का अकाउंट खुल गया। पेटीएम का अकाउंट अगर जैसे ही खुल जाता है तो एक बात का ध्यान दे लें कि कहीं आपका ये पेटीएम अकाउंट बेसिक वैलेट तो नहीं। बेसिक वैलेट का मतलब हो गया जो आप लॉग इन कर रहे हो, जैसे लॉग इन जो करोगे, हम अपने मोबाइल नंबर को लॉग इन करते हैं, और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं, और लॉग इन कर लिए। लॉग इन जैसे ही करते हैं, लॉग इन होने के बाद हम प्रोफाइल पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो बेसिक अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है। यहाँ पे अगर आपका टिक मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स कि आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट हो गया,
बेसिक अकाउंट से हट करके। अगर आपका बेसिक अकाउंट है तो मान के चलिए कि आपके पास या आपका जो बेसिक अकाउंट रहने के कारण आपका एजेंट आप नहीं बन पाओगे, एजेंट बनने में परेशानी होती है, उसके एजेंट मैपिंग में परेशानी होती है, तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि आपका टिक मार्क है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप का जो नंबर है, आपका जो हमारे एजेंट का व्हाट्सएप नंबर है या इन्फॉर्मेशन जो जाता है, वहाँ पे आप इन्फॉर्म करके पूछ लें कि किस तरीक़े से ये होगा। हम आपको प्रोसेस बता देंगे। एडिट प्रोफाइल पे बहुत सिंपल सा तरीका है, एडिट प्रोफाइल वेरीफाई करवा लीजिएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनने के बाद, ये आपका बेसिक अकाउंट बनने के बाद, यही यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपका जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो मैंने डाला, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका गोल्डन गेट एप्लीकेशन के लिए होता है। मतलब यहाँ पर जो एक और एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मेनली आपको ई केवाईसी करने के लिए दिया जाएगा। ये गूगल के प्ले स्टोर पे नहीं है, ये आप हमारे साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन अभी करेंट में, ये जो आज का डेट है, उस डेट में हमारा 2.7 वर्जन यूज किया जा रहा है। इस गोल्डन गेट में ई केवाईसी, अगर आपको एजेंट बनना है तो आपको कोई डेमो आईडी से ई केवाईसी कर लेना है, या आसपास कोई ई केवाईसी करने वाले पेटीएम के हैं तो उससे ई केवाईसी करवा लेना है। कोई चार्जेज वगैरह नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपल से यहाँ पे ई केवाईसी आप कर लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई केवाईसी करते हैं। ई केवाईसी करने के लिए हमको डेमो आईडी मान के चलिए हमारा ही जो अकाउंट है, 7781003097, पासवर्ड वही है सिंपल सा, White@1234 5 शो करके देख लिए और डन करते हैं। डन करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन जैसे ही हमने किया, यहाँ ई के वाई सी करने के लिए दे दिया, ये कंटिन्यू बोल रहा है। सर्विसेज के लिए पूछ रहा है कि वाईफाई वगैरह से, या सर्विसेज ई के वाई सी। ई के वाई सी करने के लिए आप नॉर्मल यहाँ पे कस्टमर ई के वाई सी पे जाओगे। कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी कस्टमर होगा हमारा उस कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो इसके लिए हम ई के वाई सी का जो आगे का वीडियो, तो हम पहले ही आपको अपलोड कर चुके हैं। ई के वाई सी आप सिंपल से डिटेल डाल करके ई के वाई सी कर लोगे। जैसे ही आपका ई के वाई सी कम्प्लीट हो जाता है, तो आप मेरे को ws.paytm@gmail.com पे ईमेल कर दो वो नंबर को। अगर आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, तो हम आपका एजेंट कोड क्रिएट करके, या एजेंट कोड तो वही होगा, हम एजेंट का गोल्डन गेट का एक्सेस दिलवा करके दे करके हम आपको रिवॉर्ड कर देंगे, ताकि आप ई के वाई सी का काम कर सको आसानी से। यही है आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, इसको आप यूज करो, देखो किस तरीक़े से होता है। बाकी आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो white@its.com के साइट से हमारा नंबर आप निकाल लो। नंबर निकाल करके आप आसानी से फ़ोन करो। अभी ई के वाई सी के लिए ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और कुछ इनकम करो भाई साहब। ठीक है, ओके, थैंक यू।